जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आसाम अम्बेडकर, अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपकी बहन, आपकी दोस्त, सिर्फ 2 मिनट की बात है, शेयर कर दे आप। हाँ तो भाइयों, मुझे कहना है बीजेपी की विधायक साधना सिंह के बारे में। वैसे तो ये अपने आप को औरत बोलती हैं, अपने आप को औरत बताती हैं कि मैं एक औरत हूं, लेकिन इनके शब्दों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई औरत है। इसमें इतनी भी समझ नहीं है कि हम किसी दूसरी औरत के बारे में क्या बोले और क्या नहीं बोले। किसी भी इंसान के बारे में बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि भी हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। साधना सिंह बहन जी को ऐसे ऐसे शब्दों से वो करती है कि भी ऐसा दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। सिर्फ मुझे ये बोलना है, साधना सिंह, जिस टाइम हमारी बहन जी निकलती हैं, आप उनको एक बार ध्यान से देखना कि जो उनकी चप्पल है ना, उनके पैरों की जो जूती है, और अपनी शक्ल के बारे में देखना एक बार। साधना सिंह जी, आपके मुंह से अच्छी उनकी चप्पल है, उनकी जूती है, जो कि आप कभी उनकी होड़ कर नहीं सकती। और क्या बोलती हो कि जो शब्द मैंने बोले हैं उनका मुझे खेद है। क्या खेद है? खेद करने से नहीं मानने वाले हम बहुजन समाज के लोग हैं। खेद बता दिया और बस हो गया, ऐसे काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। इतने आप बहन जी के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगोगे, आपको हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे खेद जताओ, चाहे सॉरी बोलो, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी। तीसरे दिन ही बकवास करते रहोगे, दूसरे दिन बकवास करते रहोगे, खेद जताते रहोगे। जो शब्द आपने बोले हैं ना, उनको तो मैं दोबारा से दोहरा भी नहीं सकती बिल्कुल भी। सबसे पहले एक औरत होकर दूसरी औरत का सम्मान करना सीखे आप, बाद में सत्ता के लालच में। और जो भी आप विधायक हैं, बीजेपी का बड़ी से बड़ा मंत्री बनना चाहती हैं, वो काम बाद में करना। ये नहीं है कि भाई पीछे जिसके साथ जो हुआ, आगे जिंदगी भर वही चलता रहेगा और आप यही इसी तरीका की बातों में लगे रहोगे। आगे के टाइम की किसे पता है कब किसके साथ क्या हो जाए? बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए था आपको? बोलने के बाद भी बोलती है कि मुझे खेद है। क्या खेद है तुझे? क्या कर लेगी तू? साधना सिंह जी, क्या कर लोगी आप ये बता दो। बहन जी के पैरों की धूल की होड़ नहीं कर सकते आप। कम से कम बोलने से पहले ये जीव एक बार देख तो लेती भाई किधर को चल रही है, क्या चल रही है, कैसे बोल रही है। क्या आपको सत्ता का लालच नहीं है? बोल दिया बस। अरे कुछ तो सोचते, थोड़े बहुत कुछ तो पढ़े होगे। सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक और बात, अपने संगठन की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना की तरफ से, साधना सिंह की जो भी कोई जीव काट कर लेकर आएगा उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। मैं आशा अंबेडकर इस बात का ऐलान करती हूं, जो भी साधना सिंह की जीव काट कर लेकर आएगा उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है। इतने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगोगे, आपको छोड़ने वाले नहीं है। हम बहुजन समाज के लोग हैं। आपने हमारी बहन जी के लिए बोला है, बहुजन समाज की आन बान शान और हमारी जान, बहन कुमारी मायावती। अरे गठबंधन होते ही आपको इतनी मिर्ची लग गई? गठबंधन ही तो हुआ है, आपका तो कुछ नहीं छीना उन्होंने। आगे जो भी बात बोलनी है सोच समझ के बोलना, चाहे जिसके लिए बोलो। अच्छे शब्द बोलोगे, अच्छे काम करोगे तो भी आगे चले जाओगे। ये नहीं है कि हम एक दूसरे की कटी करेंगे, एक दूसरे के लिए बकवास करेंगे, हम तभी आगे जा पाएंगे। ये बहुत गलत बात है। साधना सिंह जी,
बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए, तब तक बहुजन समाज आपको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे आप कितना भी खेत जता ले। और एक वो बेवकूफ लोग शेर पे शेर, शेर पे शेर करे जा रहे हैं कि साधना सिंह ने खेत जताया है। क्या हुआ खेत जता दिया तो, इतना भी नहीं कर सकती वो, उसको तो पैरों पे गिरकर माफी मांगनी ही पड़ेगी चाहे जो हो जाए। नहीं मांगेगी तो ये जो बकवास करी है ना दुनिया भर की, आगे नहीं जा पाएगी ज्यादा। अपनी तरफ को देख कि भाई तू क्या चीज है, खुद एक औरत है। बस साथियों यही बोलना था। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कुछ गलती होगी हो तो मेरे नाम से FIR दर्ज करा देना। अगर मैंने साधना सिंह को कुछ भी गलत बोला हो ना तो मेरे नाम से FIR दर्ज करा देना। मैं आशा अंबेडकर, अंतरराष्ट्रीय भीमसेना, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और 10 लाख का नगद इनाम जीव काटने वाले को अपने संगठन की तरफ से मैं ऐलान करती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी के लिए बाय। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।